जहाँ जहाँ रोज हजारों बहनों के सौभागों को उजाड़ा जाता था, हजारों बच्चों को जलील किया जाता था, हर तरफ गोलियों और बमों की आवाजें सुनाई देती थी, जो पंजाब हिंदुस्तान से टूटने वाला था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहादत का जाम पी लिया और पंजाब को इस देश से अलग नहीं होने दिया, वो भारत मात के साथ जुड़ा हुआ है। आज शायद दिन राजीव गांधी जी का मनाने की हमें जरूरत ना पड़ती, राजीव गांधी जी आज हमारे पास जिंदा। हमने ये कोशिश नहीं करी कि राजीव गांधी जी की शहादत क्यों हुई, राजीव गांधी जी को यहां से इतनी जल्दी छोड़ जाना पड़ा। हम उनके दिन तो मनाते, उनकी बर्सियां मनाते, उनकी शहादत का दिन मनाते, पर राजीव गांधी जी की मौत का कारण कौन था, उनकी शहादत का कारण कौन था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी कुछ साल पहले आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते लड़ते जो उनकी हत्या हुई, कहीं ना कहीं सुरक्षा की बहुत बड़ी कमी थी और राजीव गांधी को खतरा था, उनके परिवार को खतरा था। कहां थी वो सरकारों की एजेंसियां, कहां थे वो मंत्री, कहां थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने राजीव गांधी के कुछ समय पहले सुरक्षा हटाई। जब मां की शहादत हो गई हो, परिवार खतरे में हो, तो राजीव गांधी की सुरक्षा हटानी नहीं चाहिए थी, उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी। राजीव गांधी को खत्म करने वाले आतंकवादी तो थे, पर आतंकवादियों को मौका किसने दिया, आतंकवादियों को मौका दिया उस वक्त हिंदुस्तान की सरकारों ने, जिनकी मां ने शहादत दी उसकी सुरक्षा को हटा दिया, तो राजीव गांधी जी ने इस तरफ हम कभी नहीं गए, ना पार्टी गए, ना पार्टी के नेता गए। हाँ, ये नारे जरूर सुनते रहा, सुनते थक गए, राजीव जी समाधि के ऊपर, राजीव जी हम शर्मिंदा है, आपके कातिल जिंदा है। अरे कहते हैं तो करके दिखाते हैं, हमने कहा है तो करके दिखाया है, आतंकवादियों से लड़ा है। राजीव गांधी चाहे आज हमारे बीच में नहीं है, पर हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ भी है और आज भी दम तक रहे। हमने वोटों की खातर, सत्ता की खातर, हमने उन लोगों से समझौता कर लिया तमिलनाडु के अंदर जो राजीव जी का कत्ल करने वाले थे, जो कातिल थे, उनकी मदद करने वाले थे। आज अगर राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी की रूह पर से देखती होगी, रोती होगी, तड़पती होगी, अरे ये तो मेरा नाम ही इस्तेमाल करते रहे, अरे जिन्होंने हमें मार दिया, जिस पार्टी के लिए, जिस भारत माता के लिए हमने खून बहा दिया, वो जरूर कहते होंगे कि नारे झूठे थे, राजीव जी हम शर्मिंदा है, आपके कातिल जिंदा है। अरे अर्थ और जमीन होनी चाहिए, कुर्सी मिले सदा ना मिले, पर उनके कातिलों से कभी समझौता नहीं हो सकता। ऐसे फंक्शन करने का कोई फायदा नहीं, फंक्शन करने का तभी फायदा होता है, असूलों की बात कि उनके कत्ल करने के जिम्मेदार कौन। आज तक कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाई तो अंदर से ही आवाज को दबा दिया गया, बम्बों गोलियों को खाने के बाद हम भारत मां को भूल गए। भारत मां को भी याद करते हैं, वंदे मातरम तिरंगा झंडा भी आजकल लहराते, आपने देखा होगा ये रामलीला ग्राउंड के अंदर एक आंदोलन चला था अन्ना हजारे जी का। हमने भी सोचा नहीं आजादी मिलने वाली, हम कांग्रेस ही होकर कहने लगे भाई हो सकता है आपके विचार बनाते हैं। ऐसे आदमियों का, देशद्रोहियों का क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े बड़े चैनल विरोध करेंगे, क्या बाइकॉट करेंगे कि हम ऐसे लोगों को नहीं दिखाएंगे, कन्हैया जैसे लोगों को, ऐसे ओबीसी जैसे लोगों को नहीं दिखाएंगे जो देश को तोड़ने की बात करते, नहीं हम ऐसे लोगों को ही दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो टीवी का जो चैनल है उसकी रूपरेखा और बनती है, यह जिंदगी की हकीकत है।